चीन में 5 जनवरी को कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से अब तक इस वायरस की वजह से 106 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,500 से ज्यादा मरीज इस वायरस की वजह से संक्रमित हैं। दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वायरस के तेजी से फैलने के कारण भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले लोगों की सावधानी के तौर पर थर्मल स्कैनर के जरिए जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को देखकर साफ है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। आखिर क्या होता है कोरोना वायरस? इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं? क्या कोरोना वायरस एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है? आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और मेरे इस बीबी का ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन प्रेस कर सेलेक्ट ऑल कर देना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र की गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस से सार्स जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इस वायरस का नाम इसके शेप के आधार पर रखा गया है। यह वायरस जानवरों और इंसानों दोनों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। अब बात आती है कि कहां से आया ये कोरोना वायरस। इस वायरस के फैलने की शुरुआत चीन से हुई है। चीन के हुवेई प्रांत के हुआन शहर में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है। चीन के साथ ही जापान, थाईलैंड, सिंगापुर में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। शोध में सामने आया है कि यह कोरोना वायरस सांपों से इंसान तक पहुंचा है। यह वायरस एनिमल से संबंधित है और मीट के होलसेल मार्केट, सांप, चमगादड़ या फार्म एनिमल्स के जरिए ह्यूमन में आया है। आप सोच रहे होंगे कि सांपों से इंसानों तक ये वायरस आखिर पहुंचा कैसे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जहां की हर प्रकार के जीव जंतुओं को बड़े चाव से खाया जाता है। कुछ को पका के तो कुछ को ये लोग कच्चा ही खा जाते हैं, और ऐसा ही इस वायरस के साथ हुआ है। चीन में सांप और चमगादड़ का सूप पीना लोगों को बहुत पसंद है, और इसी तरह से यह वायरस सांपों से इंसानों तक पहुंचा है। बात करते हैं कि कितना खतरनाक है यह वायरस कितना खतरनाक है। इसके बारे में सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। WHO ने इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की है कि कोरोना वायरस बेहद नजदीकी संपर्क में रहने वाले दो इंसानों में एक से दूसरे में संक्रमित हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण नॉर्मल संक्रमित लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन असर गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं। कोरोना वायरस की वजह से श्वसन तंत्र में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी के लक्षण बेहद कॉमन है और कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित न हो तब भी उसमें ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे नाक बहना, सिर में तेज दर्द, खांसी और कफ आना, गला खराब होना, बुखार, थकान और उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि। अब बात करते हैं कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोकें। इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोका जा सके। नंबर 1, बीमार मरीजों की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। नंबर 2, सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में भी दिखे तो उसे दूर ही रहें। नंबर 3, जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां यात्रा करने से बचें। नंबर 4, हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। नंबर 5, खांसी या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढक कर रखें। नंबर 6, अपने हाथ और उंगलियों से आँख, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। नंबर 7, पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छुएं या किसी से हाथ मिलाने से बचें। दोस्तों, कोरोना वायरस का इलाज क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अधिकारियों ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है और महज 3 महीने के अंदर इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसका इलाज सामान्य कोल्ड की बीमारी की तरह ही इस समय हो सकता है, जिसमें खूब सारा आराम करने की सलाह दी जा रही है, तरल पदार्थ ज्यादा सेवन करने को कहा जा रहा है और बुखार तथा गला खराब की दवा दी जा रही है। इन सबके बावजूद यदि मरीज को ज्यादा दिक्कत होती है तो वह तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। दोस्तों, हमारा ये चैनल हमेशा आपके सुखी जीवन की कामना करता है और प्रार्थना करता है कि इस वायरस से संक्रमित लोगों की हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक कर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।